जब भागवत जी में स्वयं श्री कृष्ण समाये हुए हैं तो फिर इसे पोथी क्यों कहा जाता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, भागवत जी में भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है, स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत जी में श्री कृष्ण समाये नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। बल्कि कई संतों ऐसे भी हमारे हुए हैं, गोपाल दास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के बड़े ऊंचे संत हैं, स्वयं भगवती गंगा जी उनकी भागवत की कथा पारायण सुनने के लिए आया करती थी, ऐसे सिद्ध संत। भोग लगाने के लिए स्वयं भगवती गंगा जी ने माखन मिश्री की व्यवस्था की अंतिम दिन, तो बड़े ऊंचे संत हुए हैं। इन्हीं के शिष्य हुए हैं हंसदास जी, और हंसदास जी के शिष्य हुए हैं बंसीधर जी, उनसे हम मिले। तो गोपाल दास जी तो भागवत जी को ही भोग लगाते थे, भागवत जी की आरती करते थे, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। अलग से ठाकुर जी की स्थापना मंदिर में करने की आवश्यकता क्या है? जब भागवत स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, तो इसी की आरती करते, इन्हीं को प्रणाम करते, भागवत जी को माल्यार्पण करते, षोडशोपचार पूजन करते भागवत जी का। भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण है, इस बात पर उनका पूरा विश्वास था, और उनको फिर ऐसे ऐसे अनुभव भी हुए, बहुत ऊंचे सिद्ध महापुरुष, और जीवन भर भागवत जी की कथा ही आप करते रहे। भागवत जी का अध्ययन करना, भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी की कथा करनी, भागवत जी की लीलाओं का चिंतन करना, तो समझो श्री कृष्ण के साथ विहार करना है। तो श्री कृष्ण में भागवत जी में बिल्कुल भी अंतर नहीं, भागवत जी श्री कृष्ण का कलयुग में अवतार है। तो फिर यहाँ प्रश्न क्या कि जब भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है तो फिर इसे पोथी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोथी के रूप में, जैसे नरेंद्र मोदी जी को हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि गद्दी प्रधानमंत्री की, जो बैठेगा उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, कोई भी बैठे उस गद्दी पे वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। अब उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी और हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, पोथी है। इसी प्रकार ये पोथी जो है, ये पोथी की सीट है, गद्दी है पोथी की, और इस गद्दी पे ठाकुर जी बैठे तो पोथी कहलाएंगे, जब पोथी के रूम में ठाकुर जी हैं तो पोथी कहलाएंगे। तो इसलिए पोथी कही जाती है कि पोथी के रूप में स्वयं ठाकुर जी हैं, तो जिस रूप में ठाकुर जी आएंगे उसी रूप में हम उनको मानने लग जाते हैं, मानेंगे भगवान। जैसे नामदेव जी को ये शिक्षा मिली कि सब रूपों में मैं हूँ, कुत्ता आके रोटी ले गया तो क्या कहा? कुत्ता भी मेरा भगवान है। तो कहा कि फिर कुत्ता क्यों कहा जब भगवान है? क्योंकि कुत्ते का रूप था, बल्कि एक पद भी बनाया कुत्ते के ऊपर उन्होंने नामदेव जी ने, तुरग मुरग मेरे प्रभु जी की चाल, और पूंछ है ऐसे ऐसे हाले जैसे ज्यों किसी बाल, तुरुग मुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, कार्तिक में मेरे प्रभु जी का भोग, और ले ले लकुट खिजा वही लोग, तुरुग मुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूंछ ऐसे हाले जैसे ज्यों किसी बाल। अब इसे में देखो श्री कृष्ण की कोई बात है? सारी बातें कुत्ते की है। क्योंकि ठाकुर जी कुत्ते के रूप में है तो फिर उसी रूप में हम स्वीकार करें। ऐसे गाय, गाय में स्वयं सब देवता हैं, फिर हम घास का भोग क्यों लगाते हैं गाय को? लगाया ना फिर 56 भोग, घास क्यों खिलाते हैं गाय को? देवता कोई घास खाते हैं? जैसे आपने कहा जब स्वयं श्री कृष्ण पोथी रूप में है तो पोथी क्यों कहा जाता है? कृष्ण है जब, तो मैं बता रहा हूं कि सब देवता गाय के रूप में है तो फिर गाय को घास क्यों खिलाते हैं हम? क्यों नहीं 56 भोग लगाए? घास तो देवता कोई खाता नहीं, के खाता है आपको पता? कुछ नॉलेज है थोड़ा बहुत? देवता कोई देवता घास खाता है? कोई कोई। तो सारे देवता गाय में, तो हम घास क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि गाय के रूप में है ना, इसलिए घास खिला रहे हैं। जिस रूप में भगवान है उसी रूप के अनुसार हम व्यवहार करेंगे। समदर्शी बनना है हमको, समवर्ती नहीं बनना है। तो यहां पोथी के रूप में भगवान है तो हम पोथी कहते हैं।